हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी, एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18 अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 मिलियन गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइंडली लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइंडली हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी, एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने।
म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car, and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेथ, मेलिन एंड सेथ्स गर्लफ्रेंड लेक्स। Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains
what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April
April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kylie has invited his friend Seth Melin and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth Melin and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी
एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विस्कस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार एंड दे आर पुल्ड ओवर बाय शेरिफ मर्फी हु गिव्स देम अ वार्निंग। दे मेक इट टू द कैबिन एंड बिगिन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। मैरिजुआना बॉट फ्रॉम अप्रिल्स नियर बाय फैमिली फ्रेंड्स ट्रेविस। काइली प्रपोजेस टू अप्रिल विच शी रिजेक्ट्स एंगरिंग हिम। लेटर दे सी समथिंग क्रैश इन द वुड्स एंड अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विस्कस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April which she rejects angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin,
द ग्रुप एनकाउंटर्स एंड शूट वन ऑफ द एलियंस दे अटेम्प्ट टू ड्राइव टू द नियरेस्ट टाउन फॉर हेल्प बट आर कट ऑफ बाय अ फॉलन ट्री अ स्पेसक्राफ्ट अपीयर्स ओवरहेड एंड अबडक्ट्स लेक्स एज द रेस्ट फ्ली टू ट्रेविस हाउस एप्रिल एक्सप्लेन्स वॉट हैज हैपेंड एंड ट्रेविस गिव्स हिज थ्योरी that the aliens and the US government has had a friendly since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car. And they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and, upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a friendly since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी।
काफी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car, and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। एप्रिल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेथ, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार एंड दे आर पुल्ड ओवर बाय शेरिफ मर्फी हु गिव्स देम अ वार्निंग। दे मेक इट टू द कैबिन एंड बिगिन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग।
मैरी जोएना बॉट फ्रॉम अप्रिल्स नियर बाय फैमिली फ्रेंड्स ट्रेवल्स. काली प्रपोजेज टू अप्रिल विच शी रिजेक्ट्स एंगरिंग हिम. लेटर दे सी समथिंग क्रैश इन द वुड्स एंड अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग फाइंड्स दैट इट इज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट विद footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a friendly since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें. आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने. फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया. फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने. फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स. इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल. इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट. फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा. कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी. काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी. फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Mary Zoena bought from April's nearby family friends travel. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a friendly since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें. आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने. फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया. फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने. फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म,
पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18 अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 मिलियन गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kylie has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car, and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18 अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 मिलियन गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइली हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेथ, मेलिन एंड सेथ्स गर्लफ्रेंड लेक्स। Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident.
The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज़ द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड्स लेक्स।
Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया।
फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था विस्कस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car, and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friend's travel. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था विस्कस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेथ, मेलिन एंड सेथ्स गर्लफ्रेंड लेक्स। Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friend's travel. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex
as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone.
After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth Melin and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth Melin and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं
इस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ। इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating,
finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट।
फ्रेंड्स, इस फिल्म का 1 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 मिलियन गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth Melin and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेजेस की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 मिलियन गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन रन्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेथ मेलिन एंड सेथ्स गर्लफ्रेंड लेक्स। Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a treaty since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends travels. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoot one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बेलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। अप्रैल एंड हर बॉयफ्रेंड काइल लीव्स टू स्पेंड द वीकेंड एट हर पेरेंट्स कैबिन। हाउएवर काइल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड सेट मेलिन एंड सेट्स गर्लफ्रेंड लेक्स। अलोंग द वे सेट्स ऑफ फायरवर्क्स इन द कार
and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने, म्यूजिक दिया था बिलेट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म, मैनिंस फिल्म, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th of April 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो A panicked woman runs to a shop wanting to use the phone. After being denied entry, she enters a nearby phone booth and is taken by a flash of light. April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friends Travis. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें। आज मैं जिस मूवी के रिव्यू के साथ हूँ, इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यह 2014 में आई कैनेडियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कॉलिन मिनहेन ने, रिटन किया था द विकेस ब्रदर्स ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था द विकेस ब्रदर्स ने। फिल्म के स्टार रहे थे ब्रेटने एलन, फ्रेडी स्टोमा, मेलिन पैपालिया। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी थी सैमी इनिया ने, एडिट किया था द विकेस ब्रदर ने,
म्यूजिक दिया था बेलिट्स एंड बर्लिन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही एबडक्शन फिल्म्स, मैनिंस फिल्म्स, पिंक बफेलो फिल्म्स। इस फिल्म की रिलीज डेट रही 18th अप्रैल 2014 ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म का रनिंग टाइम रहा 106 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म का 106 मिनट रनिंग टाइम रहा। कंट्रीज की कनाडा थी, लैंग्वेज की इंग्लिश थी। काफ़ी कम बजट की फिल्म थी, ओनली $3 million गाइस, काफ़ी कम बजट की फिल्म थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बाद एक कहानी की बात करें तो ए पैनिक्ड वुमेन टर्न्स टू अ शॉप वांटिंग टू यूज द फोन। आफ्टर बीइंग डिनाइड एंट्री शी एंटर्स अ नियर बाय फोन बूथ एंड इज टेकन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। April and her boyfriend Kyle leaves to spend the weekend at her parents' cabin. However, Kyle has invited his friend Seth, Melin, and Seth's girlfriend Lex. Along the way, Seth sets off fireworks in the car, and they are pulled over by Sheriff Murphy, who gives them a warning. They make it to the cabin and begin drinking and smoking. Marijuana bought from April's nearby family friend's travel. Kylie proposes to April, which she rejects, angering him. Later, they see something crash in the woods and upon investigating, finds that it is an alien spacecraft with footprints leading away from the crash site. Returning to the cabin, the group encounters and shoots one of the aliens. They attempt to drive to the nearest town for help but are cut off by a fallen tree. A spacecraft appears overhead and abducts Lex as the rest flee to Travis' house. April explains what has happened and Travis gives his theory that the aliens and the US government has had a prayer tree since the Roswell incident. The aliens abduct people while the government is left to clean up the mess.